दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपनेक स्वागत है। नमस्कार, हम दीपाकरण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। पहिल बेर पुष्पकमल दाहाल के अध्यक्षता में नेकपा सचिवालय बैसार संपन्न। नेता कार्यकर्ता के सार्वजनिक आलोचना नहीं करवाक हेतु निर्देशन। संसदीय समितिक सभापति सभक गाड़ी के भौतिक परीक्षण शुरू। समिति द्वारा गाड़ी बिक्री करनिहार कंपनी संचालक के उपस्थित होबाक लेल पत्राचार। नाडा ऑटो शो के 14वां संस्करण आई से काठमांडो में शुरू। मेला के मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रिक आ हाइब्रिड कार सब रहत। अमेरिकी राष्ट्रपति आ भारतीय प्रधानमंत्री बीच पेरिस में भेंटवार्ता। भारत पाकिस्तान मुद्दा में तेसर राष्ट्र के संलग्नता आवश्यक नहीं रहल, भारतीय प्रधानमंत्री कथन। आ भारत में जारी 5वां संस्करण के साफ अंडर 15 पुरुष फुटबॉल में नेपाल आई बांग्लादेश संगे प्रतिस्पर्धा कर रहल। नेपाल स्पष्ट जीत के खोजी में। पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी या नेतृत्व के विषय में सार्वजनिक आलोचना करबाक नेता तथा कार्यकर्ता के सचेत करैत अटेर केला पर निलंबन समेत कैल जात। नेतृत्व के काम कार्यवाहीक विषय में सामाजिक संजाल में आलोचना बढ़ लागलाक बाद सचिवालय एहन निर्णय केने अछि। नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कार्यकारी भूमिका में पहिल बेर बैसल सचिवालय बैसार से नेता कार्यकर्ता के सार्वजनिक आलोचनात्मक शैली नियंत्रण करबाक निर्णय केने अछि। पार्टीक शीर्षस्थ नेता के कार्यशैली सहितक पार्टी निर्णयक संबंध में सामाजिक संजाल में आलोचना बढ़ लागलाक बाद नेकपा पार्टी बाहर आलोचना करनिहार जे क्यो अछि हुनका कार्यवाही आ निलंबन के भागीदार बनेबाक निर्णय केने अछि। कार्यकर्ता वा अन्य कुनै कमरेडहरुको बारेमा पार्टीको केन्द्रदेखि तलसम्मका कुनै कमरेडहरुले कुनै कुरा व्यक्तिगत रूपमा उठाउनु परेमा त्यसलाई पार्टीभित्र तथ्यसङ्गत ढङ्गले पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाउनु पर्नेछ। स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आवश्यक कार्रवाई गरिनेछ। नेता कार्यकर्ताक विषय में जो किछु कहबाक अछि तथ्य संगत ढंग से पार्टी के आंतरिक बैसार में ओ बात राखक लेल नेकपा के निर्देशन अछि। पार्टी एकता प्रक्रिया में शामिल भेल सब में से 10% धरि केंद्रीय समिति में समावेश कऽ सकबाक प्रावधान अनुसार सचिवालय बैसार से 4 केंद्रीय सदस्य मनोनयन केने अछि। तऽ किछु नेता सभक भूमिका सेहो तय कयल गेल अछि। कमरेड देवेंद्र पराजुली, कमरेड कल्पना घोला, कमरेड पद्म राई र कमरेड किरण राई। त्यसै गरी हामीले यो जनवर्गीय संगठनहरुको विभागहरुको इन्चार्ज स इन्चार्जहरुमा केही थप हेरफेरहरु गरिएको छ। बैसार सँ विविध जिला जनवर्गीय संगठन आ विभागक उपप्रमुख आ सह इन्चार्ज चयन आ जिम्मेवारी हेरफेर केने अछि। कैमरा में प्रदीप मान सिंह के साथ कांति न्योपाने, काठमांडो। संसदीय समितिक सभापति सभक गाड़ी के भौतिक परीक्षण शुरू कयल गेल अछि। संघीय संसद के संसदीय समितिक सभापति सब नवका गाड़ी लेने एको महीना नहीं बीतल अछि आ प्राविधिक समस्या देखल गेलाक बाद सभामुख कृष्ण बहादुर महरा छानबीन के लेल 5 सदस्य समिति गठन केने छलथि। छानबीन समिति सभापति सभक लेल कयल गेल गाड़ी खरीद प्रक्रिया के संपूर्ण कागजात मांग कऽ अध्ययन केने छल। समिति गाड़ी के प्रयोगकर्ता संगे गाड़ी के अवस्थाक विषय में जानकारी सेहो लेने छल। छानबीन समिति गाड़ी बिक्री करनिहार कंपनी के शेयरधनी संचालक के सेहो अपने उपस्थिति होबाक लेल पत्राचार केने अछि। संसदीय समितिक सभापति सबके अखार 23 गते 11टा नवका गाड़ी संसद सचिवालय हस्तांतरण केने छल। पूर्व सहकर्मी शालिक राम पुरासैनी के आत्महत्या करबाक हेतु दुरुत्साहन केने अभियोग में हिरासत में लेल गेल टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामी छाने 5,00,000 धरौटी में रिहा भेल छथि। जिला अदालत चितवन सोम दिन थून छेक बहस संपन्न भेलाक बाद न्यायाधीश हेमंत प्रकाश रावल के इजलास से लामी छाने के 5,00,000, संचारकर्मी युवराज कड़ेल के 3,00,000 आ नर्स अस्मिता उर्फ रुकू कार्की के
साधारण तारीख में छोड़बाक लेल आदेश देने छल। लामी छाने आ कड़ेल स्वामी दिन अदालत द्वारा निश्चित कयल गेल धरोटी रकम बुझा कर रिहा भेल छथि। अदालत फौजदारी कार्यविधि संहिता के दफा 68 अनुसार अभियुक्त संगे धरोटी तथा जमानत या बैंक जमानत लेबाक व्यवस्था अछि। संहिता के एक दफा 67 के अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोनो अभियुक्त ऊपर के अभियोग प्रमाणित होबाक मनासिब आधार रहला पर अदालत नीत सँ धरोटी जमानत या बैंक गारंटी लऽ तारीख में रखबाक व्यवस्था अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब बाकी समाचार। पूर्वी नवलपरासी के हुपसेकोट गांव पालिका द्वारा निर्माण कयल जा रहा लाली गुड़ा संरक्षित क्षेत्र तथा एकीकृत नमूना बस्ती के शिलान्यास 12 गते होयत। गांव पालिका पर्यटन वर्ष 2020 के लक्षित कर नमूना बस्ती बनाओल जायत। पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण के हेतु गांव पालिका धौवादी के विभिन्न क्षेत्र में 5000 लाली गुड़ास रोपबाक काज कऽ रहल अछि। लाली गुड़ा संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा एकीकृत नमूना बस्ती शिलान्यास कार्यक्रम को आयोजन हामीले गरेका छौं। हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन को लागि 35 जना को मेरो अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन भएको छ। एकीकृत बस्ती में मगर समुदाय के संस्कृति झलक देखेबाक आ आर्थिक सामाजिक विकास संगे कॉफी पॉकेट क्षेत्र के रूप में विकास करबाक योजना गांव पालिका के अछि। 100 ब्लॉक निर्माण क गुड़ास रोपबाक आ गांव पालिका भीतर रहल 45 विद्यालय के नामकरण सेहो कयल जात जनाओल गेल अछि। स्थानीय तह को नाम में नामकरण हुन्छ भने अरु संस्थागत नामकरण हुन्छ र त ब्लॉक भीतर त्यहाँ का पदाधिकारी दिहरुले आफ्नो नाम में गुड़ास को नाम नामकरण गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्न खोजेका छौं। पहिने गुड़ास सँ भरल वन सब एखन उजाड़ भेल अछि। बाजार में लोकल मुर्गा के मांग बढ़लाक संगे बारा के किसान नवीन लमशाल व्यावसायिक मुर्गा पालन शुरू कयलनि अछि। तकरीबन लोप होबाक अवस्था में पहुँचल लोकल मुर्गा पिछला समय नेपालक विविध क्षेत्र में व्यावसायिक रूप में उत्पादन शुरू कयल गेलाक बादो बारा में पहिल बेर पालन शुरू कयल गेल अछि। अन्य मुर्गा के तुलना में लोकल मुर्गा के मांस के स्वाद नेपाली सब के बहुत रुचैत अछि, ताहि लेल बाजार में मांग बढ़ल अछि। बाजार के मांग खेप नहि सकल एहि व्यवसाय के बारा के किसान लमशाल करीब 11 लाख के लागत में 5 महीना पहिने पालन शुरू कयलनि अछि। अब यो 5 महीना को भयो र अब यसलाई अब बेच्दाखेरि अब के 10-12 लाखको मैले आशा गरेको छु। लगानी त अब यो सबै गर्दा कुखुराको 80 हजार जति मेरो यो चल्लाको लगायो। स्वास्थ्य के हिसाब सँ सेहो लोकल मुर्गा के मांस आ अंडा व्यावसायिक मुर्गा सँ नीक मानल जाइत अछि। नेपालक ग्रामीण क्षेत्र के वासी सब लोकल मुर्गाक पालन कऽ रहलाक बादो एक व्यावसायिक उत्पादन नहि भऽ सकल अछि। आब आर्थिक समाचार। ऑटोमोबाइल्स के लेल कुंभ मेला मनल जाय वाला नाडा ऑटो शो के 14 संस्करण आइ सँ शुरू भऽ रहल अछि। आइ सँ काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में शुरू होय वाला मेला रवि दिन धरि जारी रहत। मेला में नवका मॉडल के कार, जीप, मोटरसाइकिल सहित गाड़ीक पार्ट पुर्जा, हेलमेट सहित सामग्री राखल जायत। आयोजक नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल जनौलक अछि। विविध आकर्षक छूट ऑन द स्पॉट फाइनेंस के सुविधा रहल नाडा ऑटो शो के एहि वर्षक मुख्य आकर्षण के रूप में इलेक्ट्रिक आ हाइब्रिड कार सब रहत। मेला अवलोकन करबाक हेतु आब वाला अवलोकनकर्ता ओवरहेड ब्रिज के सेहो प्रयोग कऽ दृश्य अवलोकन कऽ सकैत अछि। एकेटा छत के नीचा स्वदेशी आ विदेशी ब्रांड के सवारी साधन के साथे ऑटोमोबाइल्स के संपूर्ण सामग्री नाडा ऑटो शो में उपलब्ध रहत। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सँ एक बेर।
पहिल बेर पुष्पकमल दाहाल के अध्यक्षता में नेकपा सचिवालय बैसार संपन्न नेता कार्यकर्ता के सार्वजनिक आलोचना नहीं करबाक हेतु निर्देशन। संसदीय समिति सभापति सभा गाड़ी के भौतिक परीक्षण शुरू। समिति द्वारा गाड़ी बिक्री करनिहार कंपनी के संचालक के उपस्थिति होबाक लेल पत्राचार। नाडा ऑटो शो के 14वां संस्करण आई काठमांडू में शुरू। मेला के मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रिक आ हाइब्रिड कार सब रहत। अमेरिकी राष्ट्रपति आ भारतीय प्रधानमंत्री बीच पेरिस में भेंटवार्ता। भारत पाकिस्तान मुद्दा में तेसर राष्ट्र के संलग्नता आवश्यक नहीं रहल भारतीय प्रधानमंत्री कथन। आ भारत में जारी 5वां संस्करण के साफ अंडर 15 पुरुष फुटबॉल में नेपाल आई बांग्लादेश संगे प्रतिस्पर्धा कर रहा। नेपाल स्पष्ट जीत के खोजी में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ा देख सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।